हाय गाइज़ नमस्कार चैनल पर आपका स्वागत है आज यार ये टॉपिक डिस्कस करेंगे हाउ टू कंपेयर मल्टीपल जॉब ऑफर्स इससे पहले बात करूँ तो मुझे आपको स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज है uh, जो अभी एडमिशंस चालू हैं और uh, मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन बिसाइड्स आवर ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर दीज फाइव रीजन जो करिकुलम है वो ऑल कंप्यूटर साइंस है जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज होता है उसमें करिकुलम ऑल कंप्यूटर साइंस नहीं होता ये सिर्फ ऑल कंप्यूटर साइंस है फिर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपके पी नहीं हैं बट इंस्ट्रक्टर्स वो हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर चुके हैं अमेजिंग काम कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट अमेजन वाले हैं फिर लोकेशन इज़ बैंगलोर दैट ऑल्सो अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट द क्लोजर यू आर टू अर नाइटी इंडस्ट्री दैट इज बेटर फॉर यू देन द नेक्स्ट थिंग इज की प्रोमोटर्स आर वेरी वेल कनेक्टेड इट इज़ बैक बाय सिकोया एंड टाइगर ग्लोबल एंड सिकोया एंड टाइगर ग्लोबल हैज बैक्ट सिक्सटी आउट ऑफ द वन हंड टेन इन इंडिया तो एक सौ दस यूनिकॉर्न हैं उसमें से साठ सिकोया टाइगर ग्लोबल बैक्ट हैं तो जब उनकी फाउंडर्स रिट्रीट होती है तो एवरी वन गेट्स टुगेदर एंड दट इन्फॉर्मेशन वट जॉब्स आर अवेलेबल दैट इंफॉर्मेशन सीव्स डाउन टू स्केलर बिफोर अदर प्लेस एंड कल्चर तो जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जिसमें हर तरह का क्राउड होगा जिसमें कंप्यूटर साइंस भी है इलेक्ट्रॉनिक्स भी है मैकेनिकल भी है सिविल भी है तो वहाँ पर कल्चर भी मिक्सड होगा तो यहाँ पर कल्चर एकदम कंप्यूटर साइंस वाला कल्चर है तो इसके मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो यू कैन चेक आउट एडमिशन आर एक्चुअली ऑन राइट नाउ एंड मैं ये मेरा लिंक रहेगा जो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन uh, में आप देख सकते हैं बिटली एस असिस्टी फ्रॉम डी एन बी विद सुमित तो जो भी मैंने बोला है दैट यू कैन चेक आउट कि करिकुलम पहले ही साल के अंदर करिकुलम में क्या सब है ये पहले साल का करिकुलम ही है यह प्रोग्रामर बिल्ड अ वेब सर्वर ऑल सी एस बेसिकली इंस्ट्रक्टर्स आर दीज पीपल आर इंस्ट्रक्टर्स एंड कैंपस इज कैंपस इज वेरी ऑफिस लाइक एग्जैक्टली इन बैंगलोर सो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन आई यू मे हैव सम क्वेश्चन फुली रेजिडेंशियल है चार साल का इंजीनियरिंग है तो यू शूड चेक आउट दिस तो सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट जेई मैथ्स यूज किया है इनका अपना इंजीनियरिंग टेस्ट है बट दिस इज नॉट जेई बेस्ड और राइट सो डू डू चेक दिस आउट दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कमिंग थ्रू द मेन टॉपिक दैट आई एम डूइंग राइट नाउ विच इज हाउ टू कंपेयर मल्टीपल जॉब ऑफर्स ठीक है तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए रफ वर्क किया था और मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाले कोर्स कैश क्या मिल रहा है उस पर आपको सोचना चाहिए आर एस यू हैं उसको कैसे इवेलुएट करना है टेक्स टैक कैसे इवेलुएट करना है और और फिर मैंने ये तो यूजुअल सस्पेक्ट्स थे फिर मैंने कुछ uh, कि हम अपना बैकग्राउंड चेक कैसे कर सकते हैं कंपनी आपका बैकग्राउंड चेक करने वाली है आप उसका कैसे कर सकते हो तो डोर है एक फिश बाउल है एक ब्लाइंड है ब्लाइंड एंड देन आई थिंक वन मोर हुड हु दीज फोर प्लेसिस यू कैन चेकआउट लिंकड इन और गूगल सर्च से आप क्या पता कर सकते हैं लिंकड इन और गूगल सर्च से क्या पता कर सकते हैं um, फिर टॉफलर एक साइट है जहाँ से आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पता कर सकते हो फिर मैंने थोड़ी सी जो बात करी है इसके अलावा ये सब बैकग्राउंड चेक करने के अलावा वो बात करी है भैया ब्रांड इज दैट इंपॉर्टेंट एंड वर्क फ्राम होम हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट और राइट तो ये मेरा एनालिसिस है इफ़ आई मिस आउट ऑन समथिंग और अगर आपको कुछ पता लगता है तो मुझे कॉमेंट्स में बताना ज़रूर कि यार ये एनालाइज आपने नहीं किया है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ऑफकोर्स हायर द कैश बेटर इट इज और राइट सो वो तो हम सबको ही मालूम है नीडलेस टू से हायर द कैश बेटर इट इज सेकेंड थिंग इज वॉट सेकेंड थिंग इज आर एस यू जो इसॉप्स मिल जाते हैं तो इसॉप्स का क्या सीन है मैं इसॉप्स के बारे में क्या समझता हूँ गुड होता है गुड होता है um, अगर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है पब्लिकली जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन के मिल रहे हैं या गूगल के मिल रहे हैं दैट इज आई थिंक एज गुड इज कैश अगर स्टार्टअप है और आई नहीं हो रखा है तो यू मस्ट वरी अबाउट कि आपका एग्जिट कैसे होगा यू हैव टू थिंक अबाउट एग्जिट आपको ये सॉफ्ट मिल गए एक परसेंट दो परसेंट ड से आपको दस करोड़ के स्टॉक्स मिल गए पर ये दस करोड़ का स्टॉक कैश में कब बदलेगा कैसे बदलेगा या तो जब कंपनी एक्वायर होगी तब बदलेगा या कंपनी का आई होगा तभी बदलेगा या कंपनी बाई बैक करेगी तो तीन ऑप्शन रहेंगी या तो आई हो जाता है कंपनी का तब मौका मिल सकता है एक्विजीशन पर मौका मिल सकता है एंड फाइनली मौका मिल सकता है आपको बाय बैक तो अब बाय बैक्स इतने अनकॉमन नहीं रहे हैं जैसे जोमैटो स्विगी आई थिंक पेटीएम ऑल्सो फ्लिपकार्ट ऑल्सो तो बायस इतने अनकॉमन नहीं रहे हैं तो इन कंपनियों के ये प्लान करके चलते हैं कि इस साल हम अपना बायबैक करेंगे तो बायम वेरी कॉमन सो वेरी कॉमन एंड अनकॉमन बोथ तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द स्टार्टअप शुड वेन एवर यू आर कंसिडरिंग्स यू मस्ट थिंक अबाउट को एग्जिट कैसे मिलेगा इस हिस एम सॉरी ऑल राइट नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली चीज जो मुझे दिखी थी जिसके बारे में मुझे बात करना था Um, वो है ब्रांड डज इट मैटर वेल अगर ऐसा है कि अभी तक आप हमेशा सर्विस बेस्ड कंपनी में रहे हो और आपको पहला प्रोडक्ट बेस कंपनी का मौका मिल रहा है तो यस ब्रांड मैटर्स एक्चुअली फ्यूचर करियर में मैटर करेगा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सॉट एमेजन गूगल का टैग लगवा लिया है तो तुमको फिर वो अगर तुम कंपनीज में फिर नीचे की तरफ भी मूव करते हो कि उतने बड़े ब्रांड से नीचे की तरफ भी मूव करते हो तो तुमको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है सो ब्रांड मे मैटर तो आप हमेशा चेकआउट करने की कोशिश करो जहाँ आप जा रहे हो उसका ब्रांड जैसे अगर अगर मैं बात करता हूँ कि लेटेस्ट से मुझको एक वीमियो है कंपनी वहाँ से ऑफर मिल रहा है या गूगल से ऑफर मिल रहा है तो आई एंड अदर थिंग्स बींग कंपेरेबल आई वुड गो टू द गूगल ऑफर बिकॉज क्योंकि मुझे वहाँ पर ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी बाद में मैं उसको uh, कभी ना कभी मुझे जिंदगी में वो फायदा दे सकता है अगली चीज जो मुझे एनालाइज करनी चाहिए वर्क फ्रॉम होम ऑफ कोर्स अगर रिमोट वर्क पॉसिबल है तो दिस इज एन एडवांटेज वाई दैट इज एन एडवांटेज फॉर यू क्योंकि तुम्हारा कम्यूट का टाइम बच जाता है सिर्फ कम्यूट नहीं बचता तो मेरे हिसाब से वर्क फ्रॉम होम ना ऑन एन एवरेज इज फोर आवर्स पर डे सेविंग आपके लिए चार घंटे तीन चार घंटे तैयार भी उतना नहीं होते हो हालांकि इस इस अपॉर्चुनिटी को हम भुना नहीं पाते हैं ज़्यादातर लोग नहीं भुना पाते हैं बट ट्राई टू अगर है अगर तुमको मालूम है तो नो दैट दिस इज एन एडवांटेज दैट यू हैव एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज़ बेनिफिट दैट यू कैन आउट ऑफ दैट एडवांटेज। इसमें आप पढ़ सकते हो सो मे बी अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो सो डू डू कीप आई फॉर स्टैक यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रवर्शियल स्टैंड uh, है कि स्टैक डज नॉट रियली मैटर दैट मच मतलब ना कि मेरे को भैया मैं तो डॉटनेट का था मुझको पाइथन में डाल दिया है या मैं जावा का था और मैं तो नेट में नहीं जाऊंगा या ए डब्ल्यू एस का मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मैं तो ईजी और पे काम करता था तो ये मैं कहूँगा यार इतना मैटर नहीं करता है इतना मैटर नहीं करता एज लॉन्ग एज द प्रोजेक्ट इज गुड वो अच्छी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है डीप बिजनेस प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है लॉजिक बढ़िया होने वाले हैं तो मैं बोलूंगा कि ना यार यहाँ पर ना ट्राई टू बिकम टेक्नोलॉजी इग्नोस्टिक मतलब ऐसा मत करो कि मैं तो डॉट नेट का डेवलपर हूं मैं तो जावा में नहीं पढ़ूंगा जावा में काम नहीं करूंगा या मैं डॉट नेट डेवलपर हूं पाइथन में काम नहीं करूंगा इट इज़ एन एडवांटेज टू यू कि तुम डॉट नेट से पाइथन में सीमलेसली जा सकते हो तो आपके लिए जितना आप ये कर सकोगे ना जितना आप टेक्नोलॉजी इग्नोस्टिक बन सकोगे कि टेक्नोलॉजी तो बस वैसे टूल ही तो है लूप चाहे जावा का लिखा या शीशार में लिखा उतना फ़र्क थोड़ा ही है या पाइथन में लिखा उतना फर्क थोड़ा ही है थोड़े बहुत दिन लगते हैं दस पंद्रह दिन लगते हैं फिर हैबिचुअल हो जाते हो तो टेक्नोलॉजी इग्नोस्टिक बनने की कोशिश करो ये तुम्हारा इन जनरल भी गोल होना चाहिए तुम्हारे करियर को फायदा होगा अगर तुम टेक्नॉजी इग्नोस्टिक हो तो अब बैकग्राउंड चेक की बात करते हैं तो यूजअल सस्पेक्ट्स बैकग्राउंड चेक आप कैसे चेकआउट कर सकते हो ग्लास डोर पर चेकआउट कर सकते हो ग्लास डोर पर फोर स्टार प्लस है तो जनरली अच्छा रहता है ठीक है फिर और फर्क रहता है फोर स्टार थ्री स्टार में लंबा चौड़ा फर्क है तो मैंने एक टू पॉइंट नाइन स्टार प्लेस पर भी काम किया है फोर पॉइंट फाइव स्टार प्लेस पर भी काम किया है तो दोनों का फर्क दिन रात का था सो ग्लासडोर रेटिंग्स यूज टू मैटर तो डू डू कंसिडर देम ठीक है थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है वहाँ से फिर ये जो न्यू एज थोड़ा सा आया है जैसे जिसमें अनोनीमस आपको चीज मिल जाती हैं फिश बाउल है ब्लाइंड है एंड हुड हुड तो जिस कंपनी को आप ज्वाइन करना कंसिडर कर रहे हो या सेटअप कंपनी को तो कंसिडर कर रहे हो ज्वाइन करना तो आप फिशबाउल ब्लाइंड हुड को ज़रूर चेक करें प्लस इसमें आप रेडिट वो उसको अगले में रखूंगा मैं मतलब इनको ज़रूर चेक करें जो जब जॉब स्पेसिफिक है इन कंपनियों में उनके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं कोई ऑफ की खबर है क्या कोई टॉक्सिक कल्चर की खबर है क्या तो डू चेक आउट ठीक है अगली चीज़ जो मैं चेकआउट करना चाहूँगा वो मैं नॉर्मल गूगल से चेकआउट करना चाहूँगा लिंकड से चेकआउट करना चाहूँगा रेडिट से चेकआउट करना चाहूँगा रेडिट के रिव्यूज़ काफ़ी जेनविन रहते हैं तो रेडिट से चेकआउट करना चाहूँगा तो यहाँ से मैं ये देखना चाहूँगा कि कोई सी लेवल एग्जिट तो नहीं हो रहे हैं अगर सी एग्जिट हो रहे हैं ना तो जनरली दो गाइज नो अबाउट समथिंग दैट टू है इन साइड इंफॉर्मेशन रहती है इफ दे आर एग्ड मोर देन एग्जिटिंग सीओ सी सी टी ओ सी एम ओ वगैरह कर रहे हैं सी एफ ओ एग्ट कर रहा है तो सुनर और लेटर सो इस साल आप डो की स्टोरी चेकआउट कर सकते हो तो आपको डनसो के अंदर दिख जाएगा कि सी एक्सोज के एग्जिट दिख जाएंगे ना प्रीमियम एक फीचर हुआ करती थी इन साइड में तो आपको ये दिख जाता था कि जो इम्प्लॉय काउंट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है इंप्लॉय काउंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो लिंगडन प्रीमियम में ये फीचर है आप चेकआउट कर सकते हो ठीक है फिर यूजल चीज़ें तो आप गूगल पर चेक करोगे ही कल्चर वगैरह की और राइट right, um, मतलब बस जो की वर्ड मैं बोलूंगा आप ले वगैरह वो चेक कर सकते हो तो कि रिसेंट कोई ले है या सी ओ एग्जिट हो रहा है क्या तो दिस इज समथिंग टू चेक आउट ठीक है फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूंगा आपको ये बहुत ज़रूरी है तुमको ज्वाइन करने से पहले जैसे जैसे डनजो की अगर आप हम तो हिस्ट्री चेक करोगे इस साल इस साल डनजो इज ऑल डाउन हिल बट वर हायरिंग एज लेट एज 2022 ट्वेंटी फेबर ट्वेंटी में भी हायरिंग चल रहा था सो so, अगर टॉफलर से आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पाए कर सकते हो तो उन फाइनेंशियल्स को देखकर आपको यह मालूम पड़ जाएगा कितना रनवे है कितना रनवे है कि कैश सिचुएशन कैसी है तो दिस इज समथिंग मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले पहले आपको उसका टॉफलर से फाइनेंशियल डाउनलोड जरूर करके देखने चाहिए इंक 42 टू वगैरह से आपको यह जरूर देख लेना चाहिए कि लास्ट लास्ट फंडिंग राउंड कब हुआ था अगला कब होने वाला है या क्या न्यूज चल रही है उसके अराउंड ठीक है तो ये चीज़ें चेकआउट करनी है ये टॉफलर और इन फोर्टी से जरूर चेक करना है इंक फोर्टी पे आपको एक वो और वो और मिल जाएगा ले ऑफ ट्रैकर रहता है वहां पर इं फोर्टी पे आपको ले ऑफ ट्रैकर मिल जाएगा पॉसिबलीट फंडिंग ट्रैकर भी है, इन, इन पे आपको ले ऑफ ट्रैकर फंडिंग ट्रैकर दोनों ही मिल जाएंगे तो मतलब कंपनीज कम, की लिस्ट है कि ये कंपनी कितना ले ऑफ किया है इस कंपनी का क्या फंडिंग हुआ रिसेंटली तो ये दोनों ट्रैकर आपको मिल जाएंगे तो यू शुड चेक दैट आउट टॉफलर से जो फाइनेंशियल है वो बाय करने पड़ते हैं चार सौ में मिल जाते हैं यू शुड बाय दम आउट ओके दिस इज समेट आई वुड से मतलब कुछ चीज़ें यूजुअल ही थी, थी कुछ चीज़ें अनयूजअल थी, थी जो आपको चेकआउट करनी चाहिए जैसे कि ये मेरा स्टैंड कि आपको टेक्नोजी इग्नोस्टिक होना चाहिए दिस इज समट अन यूजअल ये मेरा कि ये, ये ब्लाइंड और हुड आई थिंक आप लोग चेक करते ही हो गए लिंकड इन पे इनसाइट्स में इंप्लाई काउंट बढ़ रहा है कम हो रहा है वो चेक करने लायक चीज है टॉफलर चेकआउट करने लायक चीज़ है इंक फॉर टू से ये ले ऑफ ट्रैकर और फंडिंग ट्रैकर देखने लायक चीज़ें हैं तो उम्मीद करता हूँ अब आप, आप कभी ऑफर्स को कंपेयर कर रहे होंगे तो इन सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे बिसाइड्स द यूजल जो शुरुआत शुआ शुरुआत में था कैश कैसा है ब्रांड कैसा है आर कैसा है वर्क फ्रॉम होम है या नहीं है। उसके अलावा आप ये सब भी कंसिडर करोगे सो मेक अ मेट्रिक्स आउट ऑफ दिस एंड देन पॉसिबली मेक अ डिसीजन एक बार मैं फिर से आपको एस के बारे में बता देता हूँ एडमिशन इस समय पर ऑन है तो अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग है uh, तो उसको ये ज़रूर कंसिडर करना चाहिए अमेजिंग है ये अमेजिंग है यहाँ पर मुझे वेरी हाई होप्स हैं मतलब दिस इज वॉट एन इंजीनियरिंग कॉलेज शुड लुक लाइक वो करिकुलम से ही बात स्टार्ट हो जाती है ऑल सी एस चार साल सी एस सी एस पढ़ोगे एंड किससे पढ़ोगे उन लोगों से पढ़ोगे जो माइक्रोसॉफ्ट अमेजन गूगल में काम कर चुके हैं तो दीज टू थिंग्स में ये सब कुछ हो जाता है बात फिर लोकेशन और वह जो नेटवर्क आपको मिल रहा है सिकोया और टाइगर ग्लोबल वाला प्रोमोटर uh, नेटवर्क उससे बच्चे खुशी बदल जाती है और फिर कल्चर क्योंकि सारे कंप्यूटर साइंस के ही बच्चे हैं तो कल्चर कंप्यूटर साइंस वाला है तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर लिंक देखना डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करके आप जाइए यंगर सिबलिंग है तो एडमिशन uh, इस समय पर ऑन है जेई पर नहीं है एडमिशन इनका अपना टेस्ट रहता है एंड डू कंसिडर दैट इवेल्युएट दिस एप्लीकेशन फीस इज ओनली थाउजेंड रुपीज सो मे बी यू शुड कंसिडर दिस एज एन ऑप्शन और थैंक यू सो मच सी यू इन वन ऑफ द नेक्स्ट वीडियोज़ तो ड्रीम एंड्रेड पर मैं अभी दोबारा से काम चालू करूँगा तो दिस इज़ री स्टार्टिंग समथिंग एंड सी यू बाई